तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और आज जाने वाले हैं हम लोग देवघर, वो भी बाइक से। आज सुबह से इतना मतलब मौसम खराब करके रखा है कि क्या बताएं यार, आप लोग खुद ही देख लो। सुबह से पूरा आसमान काला है और गिर रहा है थोड़ा थोड़ा बारिश, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा जाने में, तो कोई दिक्कत नहीं, जाना तो पड़ेगा। यहाँ से जाएगा दो बाइक, एक मेरा वाला और एक फ्रेंड का है, दो बाइक जाएगा। यहाँ से निकलेंगे हम लोग लगभग 2:30 या 2 बजे, 2 बजे शायद निकलेंगे यहाँ से। तो चलिए खाना खा के मिलते हैं आप लोग से। और एक मेन बात यार, ये तो बताना भूल ही गया कि क्यों जा रहे हैं हम लोग देवघर। देवघर जा रहे हैं हम लोग बाबा को जल चढ़ाने, तो निकलेंगे आज। सो गाइस, खाना तो खा लिया है और रेडी भी हो गया, तो चलिए अभी निकलते हैं। तो पहले यहाँ से जाएंगे सुल्तानगंज, उसके बाद वहाँ से पानी लेंगे, उसके बाद देवघर जाएंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट सुल्तानगंज जाएंगे। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं। मौसम का बुरा हाल, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, तो इसी में निकलते हैं। दो बाइक रेडी हो रहा है हम लोग का। फिलहाल हम लोग रुके हैं नाला में 10 किलोमीटर आने के बाद। भैया आ जाए बर्तन। सो फ्रेंड्स, लगभग 100 किलोमीटर पार होने के बाद और एक जगह रुके हैं चाय वाय पीने के लिए, चाय पीते हुए। बिहार घुस चुके हम लोग। अच्छा, तो ये भागलपुर है, बिहार का भागलपुर पहुंच चुके हैं। करीब करीब 150 किलोमीटर आने के बाद बिहार में रेस्ट ले रहे हम लोग। ये कुछ बोलना चाहते हैं? बोल बम। शाम हो गया तो बहुत दूर आते आते एक होटल में रुके हैं खाने के लिए। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। पता नहीं कौन सा जगह का नाम है यार। तो सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं, देखिए यहाँ का नजारा।
जा रहे हैं अभी शिविर रेस्ट करने। जो क्या बोलते हैं रेस्ट्रालय। सभी जा रहे हैं प्लास्टिक लेने, हम लोग को बैठना है। तो देखिए यहाँ का सुल्तानगंज का शिविर बहुत ही बढ़िया एकदम। जल वल तो ले लिए हैं, अब चलते हैं देवघर की तरफ, बाइक निकालते चलते हैं। One hour later. रास्ते में मिला वहाँ एक शिविर, चलिए उसका टूर कराते हैं आप लोगों को। नजारा है यार, वाह, ओहो, देखो ये है महाशिविर यहाँ का श्रावणी मेला। एक पुलिस मैडम से पूछे तो यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था या होने वाला पता नहीं, लेकिन वो एक गायक है ना हंसराज रघुवंशी, वो आने वाला है शायद। हम लोग तो मिस कर देंगे, कहे कि हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, अभी आधा घंटा रुकें उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, रेस्ट करने के लिए रुके हैं। और अभी बज रहा है रात के 2:30 और अभी देवघर यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर और बाकी है, तो 50 किलोमीटर कवर करेंगे, उसके बाद लाइन पे रहेंगे, लाइन पे रह के बाबा को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर। तो बन रहे इस वीडियो पे। पहले पहुंच चुके हैं हम लोग मंदिर, देवघर का मंदिर में। बाबा का जल तो चढ़ा दिए हैं, अब चलते हैं घर की तरफ। जल चढ़ा के इतना सुकून आ रहा है, इतना भोरे भोरे को हो गया है, लगभग 6:30 बज रहा है अभी और 5:30 बजे हो गया था, घूम रहे थे तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अब चलते हैं घर की तरफ, वही रास्ता वही सब, क्या दिखाना, चलिए डायरेक्ट घर में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स घर तो पहुँच चुके हैं लगभग 1 बजे और घर आते ही थोड़ा सो गए थे, बहुत थक चुके थे यार इसलिए थोड़ा सो गए थे। फिर से और एक टूर, बड़ा टूर आने वाला है केदारनाथ का 6 दिन बाद, तो वो भी आप लोग देख गए था इसलिए बोल रहे हैं चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे ढेर सारा प्रसादी लाए हैं तो आइए आप लोग
अगर खाइएगा तो। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। कमेंट करके बोलिएगा इस वीडियो को आप लोग को कैसा लगा, इतना मेहनत किए हम लोग, इतना दूर गए, आप लोग सब देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद।